मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मजलिस का पेट में दर्द नहीं जाता। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ है। वो मुल्क में आप नौजवानों को रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारी मुकद्दर बना दिए, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल 100 पार हो गया, क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेगा क्या? मेरा नाम लेके बोले दुल्हे भाई का नाम लिए, वजीर आजम दुल्हे भाई का नाम लेने लिए हैदराबाद के, हाँ तो वजीर आजम जो है हैदराबाद के दुल्हे भाई का नाम लिए हैं और बोल रहे क्या बोल रहे कि वो दो पार्टियां मिला के जिता रहे मेरे को। हाँ, ये 40 साल से हम बीजेपी को हरा रहे, कैसे हरा रहे, कौन थे वहां पे? 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही। 2014 में भी मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2019 में भी आए, मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2018 के असेंबली इलेक्शन में आए, मजलिस जीती। 2023 के असेंबली इलेक्शन में मोदी आए, हम जीते। तो ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मजलिस का पेट में दर्द नहीं जाता। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ है। वो आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे लिए कौन से बैंक में, बताओ हमार को। मुल्क में आप नौजवानों को रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारी मुकद्दर बना दिए, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल 100 पार हो गया। असल प्राइम मिनिस्टर मोदी मुल्क के आईन को, संविधान को बदलना चाह रहे ताकि रिजर्वेशन खत्म कर देना। और प्रधानमंत्री ये बोलो क्या मुसलमान घुसपैठी है, क्या हमारी बच्चियां ज्यादा बच्चे पैदा करती है, झूठ है। क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेगा क्या? जिहादी बोल रहे प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेट टीम में मिलना बोल रहे। तो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए प्राइम मिनिस्टर, और बजाय वजीर आजम होने के एक छोटे गली के लीडर के की तरह बातें कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा नाम लेके बोले दुल्हे भाई का नाम लिए, वजीर आजम दुल्हे भाई का नाम लेने लिए हैदराबाद के, हाँ तो वजीर आजम जो है हैदराबाद के दुल्हे भाई का नाम लिए हैं और बोल रहे क्या बोल रहे कि वो दो पार्टियां मिला के जिता रहे मेरे को। हाँ, ये 40 साल से हम बीजेपी को हरा रहे, कैसे हरा रहे, कौन थे वहां पे? 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही। 2014 में भी मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2019 में भी आए, मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2018 के असेंबली इलेक्शन में आए, मजलिस जीती। 2023 के असेंबली इलेक्शन में मोदी आए, हम जीते। तो ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मजलिस का पेट में दर्द नहीं जाता। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ है। वो आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे लिए कौन से बैंक में, बताओ हमार को। मुल्क में आप नौजवानों को रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारी मुकद्दर बना दिए, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल 100 पार हो गया। असल प्राइम मिनिस्टर मोदी मुल्क के आईन को, संविधान को बदलना चाह रहे ताकि रिजर्वेशन खत्म कर देना। और प्रधानमंत्री ये बोलो क्या मुसलमान घुसपैठी है, क्या हमारी बच्चियां ज्यादा बच्चे पैदा करती है, झूठ है। क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेगा क्या? जिहादी बोल रहे प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेट टीम में मिलना बोल रहे। तो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए प्राइम मिनिस्टर, और बजाय वजीर आजम होने के एक छोटे गली के लीडर के की तरह बातें कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है।